तो गाइस भोला रिकॉर्ड जो के एक नंबर का पैड या किस्म का टिकटॉकर है कुछ दिन पहले थाईलैंड ट्रिप पर गया। अच्छा। और मजे की बात ये साला वहाँ जाकर नंगा होकर घूम रहा था। अभी भी कम तो शर्म आया है। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों, आई होप मजे में होगे। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से संडे गेंडे और भैंसे देखे होंगे, बट आज मैं आप लोगों से जिस हाथी से मिलवाने जा रहा हूँ उसकी शक्ल डायनासोर के अंडे से मिलती है। वाओ। और डायनासोर का ये नाजायज अंडा आजकल थाईलैंड गया हुआ है। वैसे गर्मियों में लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए यूरोप और कनाडा वगैरह जैसे ठंडे इलाकों का रुख करते हैं ताकि पाकिस्तान की गर्मी से बच सके, बट ये गंजा भैंसा गया भी तो कहाँ है थाईलैंड गर्मियां गुजारने, जहाँ आम दिनों में पाकिस्तान से भी ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओए होए होए दोस्तों, बड़ी गर्मी है यार, पैदल टोटो कहना मुझे तो गया। खैर हर इंसान अपने किसी न किसी टैलेंट की बिना पर फेमस होता है, बट ये दुनिया का वाहिद फुतू इंसान है जो के चवले मार मार के वायरल होता है। ओ जाने जाना। ठरकपन ही इसका इकलौता टैलेंट है और ये गंजी बत्तख इतना ठरकी है लड़कियां इसके सामने से कुछ ऐसी ड्रेसिंग करके गुजरती हैं। खैर हुआ कुछ यूं के इंस्टा रील्स पर मेरी आंखों के सामने एक वीडियो गुजरी। पहली नजर में तो मुझे ये लगा कि शायद नवाज शरीफ लंदन में कपड़े उतार कर स्कूटी ड्राइव कर रहा है, बट बाद में गौर व फिक्र करने पर अंदाजा हुआ कि ये तो नवाज शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ का रूहानी बेटा है जो कि थाईलैंड की सड़कों पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ये कि बंदा जाना पहचान लग रहा है कि ये देखें कौन है, ये कौन है, ये कोई यार भोले भोला जी तुसी हो, भोला जी किथे किने फिर रहे हो भाई जी, साडे मुल्क च इस टाइम इन्नी परेशानी मुल्क साडा टेंशन च जा रहा है ते मैं आजाद मुल्क च फिर जा ते बिल्कुल आजाद होके फिर रहे हो ते तुसी बिल्कुल आजाद होके फिर रहे हो। अच्छा भी नहीं सी पाणा वैसे आपस की बात है कि भोला रिकॉर्ड और शरीफ फैमिली में एक बात कॉमन है और वो क्या है गैस करो 5 सेकंड से तुम लोगों के पास, जो बंदा भी सही से गैस करेगा ईमानदारी से अपना नाम कमेंट्स में मेंशन कर देना। 5 4 3 2 1 0 अगर पहचान लिया है तुम लोगों ने तो ट्रस्ट मी तुम लोगों जैसा जीनियस प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा, और अगर नहीं पहचान पाए तो परेशान क्यों होते हो यार, तुम्हारा भाई है ना तुम लोगों को बताने के लिए। तो इस सवाल का राइट आंसर है भोला रिकॉर्ड और शरीफ फैमिली में लोगों के खुफिया वीडियोस बनाने का धंधा कॉमन है। समझ रहे हो ना। बाकी अगर भोला रिकॉर्ड ने ये सब पैड यकियां करना ही थी तो प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसी फालतू हरकतें करके इंटरनेट पर डालने की क्या जरूरत थी। अभी भी भैंस की आंख हम लोगों से तो ये छछूंदर पूरे कपड़ों में बर्दाश्त नहीं होता और ये वहाँ जाकर नंगा होकर घूम रहा है। हिम्मत है थाईलैंड वालों की जो इसे इस हाल में भी बर्दाश्त कर गए, यहाँ ऐसी हरकतें करता तो पाकिस्तानियों ने इसके पिंडे को पिंडी भटिया बना देना था। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो गाइस इस वक्त हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, आप लोगों में से जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।